सो हेलो जींस के हेल्थ आपके दोस्तों स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। अब मैंने सोचा क्यों ना इस बार सिंक डेल्टा उतरा जाए, मेरे को बहुत गंदी लगती है जगह, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो उतर लेते क्योंकि यहाँ भाई बंदे बहुत कम आते हैं और सोलो खेल रहा था मैं, तो मेरे को यहाँ पे यूएमपी और गन तो मिल गई बढ़िया क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे स्क्वाड हाउस में उतरता हूँ क्योंकि और तो यहाँ पे भाई लूटने के लिए कोई घर ही नहीं बढ़िया। और मेरे को यहाँ पे कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है और मुझे लगा बॉट है लेकिन यहाँ पे बंदा अंदर घुस रहा होता, तो मैंने एक नेट टॉस किया और इस बंदे को शायद पता नहीं चला मैंने नेट टॉस कर रखा। और फिर देखना जैसे डैमेज आता है मैं रश कर देता हूँ। और ये बंदा शायद से टीम अप करना चाह रहा था लेकिन इतने भाई मैं शूट कर चुका था गोलियां, और आपने देखा होगा जब मैं टीपी पे ले रहा था तो इसके पास गन थी तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता था भाई। अगर ये तब पीछे रख लेता तो मैं विश्वास कर भी सकता था, पर ये मेरे को लगा जंप एंड शूट कर रहा है। देखा ना आपने, मतलब बहुत कंफ्यूज कर रहा था मेरे को, मुझे लगा जंप एंड शूट करके मेरे को मारेगा तो मैंने भी शूट कर दिया भाई, लेकिन मुझे बाद में चला इसके पास तो इसने गन पीछे रख रखी थी। अब जो भी हो इसको मार दिया मैंने और यहाँ से मेरे को AK M4 मिल गई, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो। बिल्कुल स्नाइपर तो मेरे को मिली नहीं यार, तो क्या करें M4 उठानी पड़ेगी। और गाड़ी लेके मैं निकलता हूँ तभी मतलब आगे के यहीं पे लूट कर रहा सिंह डेल्टा में, तो मेरे को देखना गन शॉट्स की आवाज़ आती है। और मेरे को बता था सामने वो जो स्क्वाड हाउस है ना सिंह डेल्टा की थोड़ा सा आगे वहाँ पे होते बंदे, और क्या ही ढिलाई होती बंदों की देखना। पर मेरे पास वेस्ट नहीं थी, और वेस्ट तो थी लेकिन लेवल 1 की थी जो कि बहुत बेकार वेस्ट होती है तुम्हें बताया, और मेरे पास लेवल 1 का ही हेलमेट था जो कि मेरे को अब जाके मिला है, तो मैंने सोचा लेवल 2 का तो एक बार हो ही लेता हूं फिर जाके किसी पर रश करूंगा। और लकीली भाई यहाँ पे मेरे को मिल जाता है लेवल 3 का मिलता है हेलमेट सीधा, और लेवल 2 की हेलमेट तो अब किस बात की देरी थी, रश कर दो भाई बंदे पर। और ये बंदा शायद किसी पर नेड कर रहा था, और नेड ना ऐसी चीज़ यार कभी कभी ओपन में करना पड़ता है यार क्योंकि अंदर की तरफ बंद होता है वो भी नीचे नेड फेंक रहा होता है, तो कभी कभी बाहर आके नेड करना पड़ता है, लेकिन क्या करें मेरे जैसे आरामी लोग बाहर से मार जाते हैं। और ऐसी बात नहीं भाई, मैं इतनी बार मरता हूँ ना इन सब में, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नेड कर रहा होता बंदे पे, लेकिन आसपास से कोई और स्प्रे मार जाता है, पर कोई नहीं यार जैसी करनी वैसी भरनी। और यहाँ पे मेरे को उस बंदे पे फोकस करना था जिसको ये मारा था, तो मैं यहाँ पे टीपी पे लेने आता हूँ, पर यहाँ से भाई थोड़ा सा भी एक्सपोज नहीं करता बंदा खुद को, तो मेरे को गाड़ी लेके उस घर की तरफ ही जाना पड़ता है क्योंकि ये इसी घर की तरफ नेड कर रहा था और बंदा यहीं पर होता। देखना आपको थोड़े फुटस्टेप्स की आवाज़ आएगी और मिनी मैप नोटिस ज़रूर करना, आ गए होंगे आपको फुटस्टेप्स में। जैसे गाड़ी से उतर तो वो भी बंदा गाड़ी से उतर जाता है, गाड़ी से नहीं घर से, और भाई काफ़ी डैमेज दे चुका था मेरे को, मुझे लगा वो यहीं से ही आएगा लेकिन वो बंदे को पता नहीं क्या ही चाहता था वो, उसने भाई थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करा, बहुत सही अच्छी बात है। मेरे को यहाँ पे हील करने का टाइम मिल गया और मैंने सोचा यहाँ से कूदते हैं, और मेरे कूदते ही भाई वो नेड फेंकता है, अच्छी बात है बढ़िया मैं कूद गया ऑलरेडी। और फिर देखना कैसे मारते उसको, और इस बंदे को मौका भी नहीं मिला शूट करने का क्योंकि 2-3 मैंने इसके हेडशॉट्स कनेक्ट कर दिए थे, और उसके बाद भाई इसकी हेल्थ की कतई लग गई, फिर मैंने कुछ बॉडी शॉट मारे और भाई मर गया बंदा इजीली। और यही होता है यार पबजी के जितने महान प्लेयर से, वो इसलिए कहते हैं पहली दूसरी गोली आपकी हेडशॉट लग जानी चाहिए, अच्छी बात है क्योंकि उस बाद ओपोनेंट पर इतना प्रेशर आ जाता है क्योंकि उसकी हेल्थ इतनी कम हो जाती है ना क्या ही बताऊं, कभी कस्टम रूम में टेस्ट करके देखना। अब मैं इनकी क्रेट्स लूटता हूं इसके भी और जो नेड से मारा था उसके भी, और फिर मैंने सोचा गाड़ी लेके क्यों ना निकला जाए यहाँ से, तभी यहाँ पर सिंह डेल्टा के इसी एरिया में से दूसरे वाले स्क्वाड हाउस की तरफ है, स्क्वाड हाउस नहीं साइड में एक और कुछ घर हैं वहाँ से मेरे को पड़ती है, और फिर मैं इस बंदे पर रश करता हूँ। अब मेरी हेल्थ इतनी लो और ये बंदा इतनी जल्दी कैसे आ गया भाई, कसम से मेरे को लग रहा था कोई और बंदा है, और अब देखना क्या ही कमबैक करते हैं यहाँ पे। वैसे फर्स्ट एड लगाने को यार कमबैक नहीं कहते, लेकिन फिर भी यार देखो इतनी कम हेल्थ हो गई थी भाई, बहुत मस्त सर्वाइव करा मैंने। अब आपको देखो स्कारल की आवाज़ आ गई होगी, तो मैं साइड वाले घर से एक बढ़िया एंगल मिल जाए मेरे को तो मैं ऊपर आ जाता हूँ, और स्क्वाड हाउस की तरफ देखना शायद आपको बंदा दिख गया होगा, मुझे तो दिख गया था, और मैं अब मारता हूँ इसको, डैमेज आता है काफ़ी और शायद से ही एक हेडशॉट लगा था शायद से, ठीक है अब मैं इस पर रश कर देता हूँ क्योंकि 25% हेल्थ तो इसकी चली गई होगी, और मेरे को दिख जाता है इसका सर, और मैं नेट करने का ट्राई करता हूँ। और मुझे पता था ये बंदा कहाँ पे है, लेकिन हल्के से इसके फुटस्टेप्स थोड़े अलग हो गए थोड़े इस तरफ, तो मैंने सोचा कभी ये इस तरफ ना चला गया, मैंने वहाँ हिट कर दिया और हल्का सा भी डैमेज नहीं गया, तो भाई पक्का वो बंदा अब इस तरफ ही है जहाँ पे मैंने पहले देखा था, फालतू में मैं कुछ कुछ ट्राई कर रहा था, डैमेज जाता है और अब भाई रश करता है बंदे पे।
और हाँ, एक चीज़ जो कि मैंने आपसे बहुत दिनों से नहीं कही, मतलब पिछले कुछ वीडियोस में नहीं कही, गाइस आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दी है, वहाँ पे मैं कुछ क्लिप्स और काफ़ी सही मतलब पिक्स डालता रहता हूँ। आप मुझसे और कनेक्टेड रहना चाहते हो तो भाई वहाँ पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आईडी दी है आपको। यस अभी जो फॉलो करो। और ये क्या है, मतलब क्या है, साइड में गाड़ी आ रही है, बिल्कुल मेरा गेम फ्रीज हो चुका है। गेम नहीं फ्रीज हो भाई, मतलब स्क्रीन कुछ काम ही नहीं कर रही थी और फाइनली काम करती है और मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी करता हूँ, बच गया बस। और इस बंदे के साथ भाई ज़्यादा ही गंदी थर्ड पार्टी कर दी मैंने, गाली दे रहा होगा कसम से मेरे कॉल पे, वैसे मेरे को सुनेगा नहीं क्योंकि वो मर चुका है। अब मैं यहाँ पे घूम रहा था, इसी घर के अंदर बैठा था, होल्ड कर रहा था, तभी फुटस्टेप्स की आवाज़ मेरे को आती है और फिर मैंने थोड़ा और ऑब्जर्व करा और मेरे को बंदा इस वाले घर में दिख चुका था, नीले वाले घर में। मैं फालतू में इतना ऑब्जर्व कर रहा था बाहर ओपन में क्योंकि वो मार सकता था मेरे को, तो इसलिए मैं अंदर आ गया। मैंने एक स्टन फेंक दिया यहाँ पे और शायद वो अंधा हो गया था, पर मैं जितने रश करता इतने भाई अंधापन जा चुका था और अब वो धुआंपन कर रहा था। और देखा ना यार प्री फायर कितनी काम की चीज़ है, शूट करते रहा करो अगर तुम किसी बंदे पे शूट करो और वो भाग लेता है तो, मतलब अगर कम गोलियां बच रही है ना बहुत सारी, तब तो गन को स्विच करके भाग लो क्योंकि तुम प्री फायर दोगे गोलियां खत्म, बंदा ऐसा शूट करेगा खत्म हो जाओगे। कम गोलियां अगर तुमने शूट करी है तो भाई शूट करते रहो, बहुत सही है, जैसे मैंने अभी करा तो बहुत हेल्प करेगी। अब मैं गाड़ी लेकर निकलता हूँ, ऐसे तभी मेरे को RPG की आवाज़ आती है इस तरफ से, तो मैंने सोचा था नहीं भाई यहाँ तो मैं जाऊँगा नहीं, वापस हो लेते अपने नीले वाले घरों में। और यहाँ पे मैं वेट करता हूँ बंदा का और देखना, एक बंदा मेरे पे रश कर देता है और उसके देना फुटस्टेप्स की आवाज़ ही नहीं आती, एकदम से आती बिल्कुल अचानक से। मिनी मैप पे फुटस्टेप्स काफ़ी पहले आ जाते हैं लेकिन आवाज़ इतनी देर बाद। और शायद से ये मोमेंट आपको काफ़ी पसंद आया होगा, यार मेरे को तो कतई मैं समझ गया था कि गेम खत्म होने वाला है लेकिन प्रोन एंड शूट ने मेरे को एंड में बचा लिया। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, भाई लाइक जरूर कर देना, पिछली वीडियो में भी मैंने 10K लाइक्स मांगे थे और अब तो शायद नॉर्मल सा हो गया है, तो जब भी तुम्हें दिखे ना ऐसे कुछ बढ़िया सीन तो नीचे जाओ, हल्का सा नीचे जाओ और लाइक का बटन होगा उस पर बस प्रेस कर देना, मज़ा आ जाएगा भाई इस सीन के लिए तो उन्हें ज़रूर लाइक कर दिया होगा। अब मैं अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी ड्रिंक्स लगा रहा था, तभी मेरे को दूर फाइट हो रही थी कुछ बंदों की, तो मैं चेक करता हूँ और थर्ड पार्टी करने का ट्राई करता हूँ लेकिन अब भाई स्प्रे नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं लगता, कुछ हो जाता है देखो उंगलियों के साथ स्कैम मेरी। और इस बार यार उंगलियों की एडजस्टमेंट हो चुकी थी और भाई अब बंदा मेरे को क्यों देगा मौका, वो निकल चुका था। मैंने क्रेट्स वगैरह लूट लिए इसके क्योंकि भाई एंड में मदद हेल्प मिलेगी मेरे को थोड़ी। और आप लोग देख सकते हो भाई RPG वाला बंदा धमाल मचाया जा रहा है और मेरे को इसी का डर था क्योंकि RPG से मैं बहुत ज़्यादा बार मरता हूँ, भले M14 क्यों ना हो भाई उसको बस एक शॉट मारना है, बस एक टैप किया खत्म, सच में बहुत बेकार लगती है मेरे को RPG। और अब जोन आने वाला था तो मैं निकल रहा था अपनी गाड़ी लेके, मैंने कुछ स्मोक्स कर दी सामने की तरफ क्योंकि हेल्प मिलेगी थोड़ी बहुत जोन में जाके, मतलब थोड़ा तो कवर मिलेगा यार। और मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, मैं दूर से ऑब्जर्व करता हूँ तभी मेरे को कहीं से पड़ती है। और इस बंदे को मारने के बाद तुरंत मैं इस पेड़ के कवर में आया क्योंकि RPG वाला बंदा उस तरफ ही कहीं था और वो फूटी हुई गाड़ी देख रहे ना आप, उसके पास भी एक बंदा बच रहा है, मतलब अल्लाह है शायद से वो जो गाड़ी लेके आया था शायद से वही बंदा है, पता नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि एक RPG वाला बंदा अभी बच रहा है। तो मैं स्मोक्स कर देता हूँ और स्मोक की कोई कमी ही नहीं थी मेरे पास, जोन में मैंने काफ़ी सही स्मोक कर दिया। मैं जाता हूँ जोन में और कुछ स्मोक्स और कर लेता हूँ और काफ़ी सही कवर मिल गया था मेरे को। और मतलब बंदा कहीं से भी आ जाए, वो RPG वैसे भी रैंडमली चला दी तो भी डैमेज तो जाना ही है, लेकिन फिर भी यार एक जिसे कहते हैं ना फॉर्मेलिटी मैंने पूरी कर दी, पर इस बार मैं जीत जाता हूँ। और टाइम रहते मैंने मार दिया इसको, वरना मेरे को स्पॉट कर लेता ना तो भाई शूट कर देता मेरे पे और मैं मर जाता। और लेकिन और एक मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखो RPG में ना एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर तुमने कहीं बहुत दूर से RPG की सीन शूट करिए ना तो जितने वो शूट करेगा और जितने उसकी जो मिसाइल है वो तुम्हारे पे आएगी ना इतने तुम बंदे पे शूट कर सकते हो, मतलब उसको मार सकते हो, वो अलग बात है बाद में शायद तुम भी मर जाओगे, तो ये सीन है। अब ये बंदा देखो मेरे साथ भूल भुलैया खेल रहा था, मैंने सोचा छोड़ो भाई मैं बोट को मार लूँगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बंदा कितने छुपले इस तरफ कुआ तो पीछे खाई थी, इस बोट को मैंने मार दिया एक और को, लेकिन इसके साथ इसी बहुत ख़राब किस्मत थी क्योंकि पीछे से देखो आपको एक UAV आती दिख गई होगी, मेरे पे फोकस करते करते इसको भूल गया था और देखो मारा जाता है भाई बंदा, बड़ी खुशी मिली मेरे को, अच्छा लगा, मैं नहीं मार पाया कोई बात नहीं, लेकिन यार किसी ने तो मारा क्योंकि भाई यार ये भूल भूले खेलते ना तो बहुत इरिटेशन हो जाती है। तो मैं इनको मार के अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ नॉर्थ हिल क्योंकि वही बेस्ट जगह है रैंक पुशर्स के लिए, सही में OP जगह है। मैं यहाँ पे लूट करता हूँ और फिर मैं बस निकल ही रहा होता हूँ तब मेरे को एक बंदे के कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है वेयर हाउस के पास।
और बहुत सही मारा मैंने इस बंदे को। और अच्छी बात है यहाँ पे मेरे पे थर्ड पार्टी नहीं हुई, अच्छी बात है क्योंकि मेरे पे मोस्टली हो जाती है मैं ऐसे ओपन में फाइट लेता हूँ, तो क्योंकि मेरे पास हीलिंग्स नहीं थी और देख सकते हो भाई हीलिंग नहीं है, तो मैंने इसका क्रेट लूटा, मेरे को यहाँ से बैंडेड मिल गई और फिर मैं यहाँ से निकल रहा होता हूँ कि थर्ड पार्टी हो सकती थी पर हुई नहीं क्योंकि यहाँ पे एक बंदा था। देखना मुझे हल्का सा स्पॉट होता है क्योंकि वहाँ पे गाड़ी दिख जाती है मेरे को इस बान हाउस के पास और फिर मैं इस बंदे पे शॉट्स लेता हूँ। वो जो गोलियां रिच पे लगी ना वो अगर इसके हेड पे या फिर कहीं बॉडी पे लग जाती ना तो ये बंदा 50% इसकी हेल्थ चली जाती क्योंकि क्या ही मस्त टेबल्स पर जाता ना भाई प्रोन होके। तो मैं आप रश कर देता हूँ इस बंदे पे क्योंकि 25% हेल्थ तो चली गई होगी और अब देखना एक बहुत मस्त फनी सा सीन होएगा, मतलब क्या ही बताऊँ मेरे को तो हंसी आ गई थी, तरस आ रहा था बंदे पे। मैंने सोचा थोड़ी प्रोनेस दिखाते यार, नेट वगैरह टॉस करेंगे, बंदा नीचे आएगा फिर मारेंगे, थोड़ा कूल लगना चाहिए, लेकिन बंदा नीचे कूद जाता चलाक निकलता है। और देखो भाई बंदे को देखो जरा तुम, और सीरियसली बता रहा हूँ यार इस बंदे ने इतनी तगड़ी मूवमेंट नहीं दी लेकिन इसको मारना मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि हंसी इतनी ज़्यादा आ रही थी भाई मेरे को क्या बताऊँ। गाड़ी लेके मैं निकलता हूँ जोन में आ गया था थर्ड एल से क्रॉस करते करते, मैंने सोचा थर्ड एल जाएंगे लेकिन नहीं भाई यहाँ कोई बंदा नहीं मिलता तो मेरे को पुराने पैसे लाना पड़ता है और मेरे पास फ्लेयर भी थी मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे एक बॉट को मैंने मारा फ्लेयर छुटाई, फ्लेयर से मेरे को ओम मिल गई और फिर देखना मैं बस स्काउट कर रहा था आसपास कि मेरे कहीं कोई बंदा मिल जाए, स्कोप इन स्कोप आउट सब कुछ करा लेकिन बंदे नहीं दिखते। लेकिन कुछ देर बाद मेरे को इस घर में ये बग्घी जहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती ना वहाँ पे एक गाड़ी जाती हुई दिखती है और ये बंदा उतर जाता है गाड़ी से और मेरे को लगा ये पीक देगा मेरे को, मैं ओम से मार दूंगा, पर ऐसा नहीं होता। अब मेरे को इस पर रश ही करना पड़ता है और इस सीन के लाइक बनता है, ये शायद बंदा शायद से शॉटगन चैलेंज कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना अपन ओम चैलेंज कर लेते हैं, मतलब स्नाइपर चैलेंज। और तैयार हो जाओ यार, इतना कमाल का शॉट आएगा ना बंदा शॉक हो गया होगा ये। और इसकी जो खोपड़ी तोड़ी ना भाई, जो मतलब कॉन्फिडेंस आ गया यार अंदर से कसम से कि ये मैच तो भाई जीतना है। और ये बंदा पता नहीं यार एस्टोल के क्यों चला रहा था क्योंकि अब शायद मुश्किल ही कोई एस्टोल के चलाता है जब से क्रॉस एयर चेंज हुआ है और एस्टोल का डैमेज कम हुआ है। और एस्टोल के मैंने ये ग्लिच है जो कि आप लोग भी थोड़ा एक्सपीरियंस करते होगे, मतलब ऑटो पे, मतलब ऑटो पे नहीं, बार बार अगर उस पर फास्टली सिंगल टैप करोगे ना तो आप टेलीपोर्ट हो जाओगे, आगे जा रहे होगे तो पीछे आ जाओगे। और ऐसी क्लिप्स मेरे पास पड़ी है मैं आपको कभी दिखाऊंगा। अब मैं स्कोप इन कर रहा था यहाँ पे कि कहीं मेरे को दिख जाए बंदा क्योंकि यहाँ पे बग्गी थी, लेकिन पीछे से मेरी कार 98 पड़ती है और मैं देख रहा था कि यहाँ से मेरे को दिख जाए, पर ये बंदा शायद सांप बना हुआ था या फिर पेड़ के कवर में था, मेरे को बंदा दिखता ही नहीं है। लेकिन ये बंदा मेरे पे रश कर चुका था शायद से, ज़रूर नहीं है वही बंदा था, और देखना क्या ही संभालता है इसको। और मैंने देख लिया था इसके स्टार्टिंग यूज़ 2-3 हेडशॉट्स पड़ चुके थे, बॉडी शॉट भी पड़ चुके थे कुछ, तो अब भाई इतना लिट हो गया बंदा कि मैं एक बार प्रोन हो जाऊंगा ना तो इल्यूजन में पड़ जाएगा और फिर मुझे बस कुछ गोलियां चलानी है बंदा खत्म। और ऐसे हुआ यार जब तक तुम ज़्यादा डैमेज ना दे दो ना, ऑलमोस्ट मतलब 50% डैमेज तो दे ही देना चाहिए तब जाके प्रोन हो ना। पबजी मोबाइल लाइट की बात कर रहा हूं मैं, मोबाइल में तो बस एक बार प्रोन हुए तो भी मारा जा सकता है पर लाइट में कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता यार। अब जोन देखो मेरे फेवर में था अभी तक और दो बंदे बच रहे थे और दोनों के दोनों बंदे नीचे की तरफ है, मैं हाई एडवांटेज है मेरे पास, ये साइड में जो ट्रक है ना यहाँ पे है दोनों के दोनों बंदे, एक के पास MK14 है और यहाँ पे कुछ देर बाद फाइट भी चलती है इनकी। और मैं सोचा था कि ना थर्ड पार्टी कर दूं पर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि एक के पास एम के थी, क्या पता मैं भी पिस जाता, ओपन एरिया था बिल्कुल, मैंने वेट करा एक बार जोन बनने दो फिर देखेंगे। और अब मेरे को रश करना पड़ता है इस गाड़ी लेके, और अब देखो जोन बन चुका था तो मुझे लगा कोई तो जोन में आएगा ही और ऐसा ही होता है यार, बंदा जोन में आ रहा था और इसको मैंने बढ़िया है मार दिया क्योंकि इस बस MK14 थी यार और तुम्हें पता है आग गन है ये। और अब आखिरी बंदा बच रहा था जो कि पीछे से मेरी कार को काफ़ी डैमेज दे चुका था, मैंने रोकी और मैंने यहाँ पे वेट करा क्योंकि जोन में उसे आना था, मैं तो जोन में था वो जोन के बाहर था और अब देखना कैसे मारता है इसको। आई होप गाइस वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, जरा सा भी मजा आया तो यार नीचे एक लाइक बटन है आप उसको प्रेस करके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। और ये देखो भाई बंदा क्या ही M4 चला रहा है और अब मेरे से नहीं बचेगा ये, मैं रश कर देता हूँ इस पे। और ये एक छोटा सा हाईलाइट गेम प्ले जो कि आपको काफ़ी सही लगेगा क्योंकि जो मैच जीते नहीं जाते वो हाईलाइट में ही बदले जाते हैं। अब ये देखो सामने एक बंदे का आपको सर दिख रहा होगा, मैं हील कर लेता हूँ पहले क्योंकि और मुझे डर था ये बंदा नेट ना कर रहा हो तो मैं एक नेट टॉस कर लेता हूँ, फेंक भी देता हूँ बंदे पे पर डैमेज थोड़ा कम जाता है क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, अगर बिल्कुल एक सेकंड पे फेंक देता ना तो बहुत सही रहता पर इतने में फेंकता तो ये इस तरफ सरक चुका था, एक सेकंड में मैं फेंकता भी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को मारना था इस बंदे को, मैं रश कर देता हूँ भाई इस बंदे पे गाड़ी उतर के क्योंकि पर साइड से भी यार एक गाड़ी आ रही है आपने नोटिस करा होगा, तो पहले मैं क्रेट लूटता हूँ और अब इस बंदे पे पुश कर देता हूँ।
और एज यूजुअल या फिर एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक बंदा आ जाता है, मतलब थर्ड पार्टी हो जाती है यार, सिंपल सी बात हिंदी में बोलेंगे, दिख गया होगा आपको, नेट टॉस कर रहा है बंदा और नेट इस तरफ ही आता है, मैं बिल्कुल सही टाइम पे अंदर चला जाता हूँ। देखा ना कितनी पास था नेट, और ये एक और नेट कर देता है और देखना क्या ही बचता हूँ इससे, ड्रॉप शॉट मस्त बिल्कुल। क्या ही बचा यार यहाँ पे, मैं कसम से भाई ड्रॉप शॉट तभी यूज़ करा करो जब एंड में डैमेज दे दो, वरना मैं पहले प्रोन हो जाता तो ना मैं मूवमेंट कर पाता। और बस बस यही ज्ञान था मेरा। अब मैं यहाँ पे देखो अपनी हेल्थ किट तो लगा लेता हूँ, हेल्थ किट लगा लेता हूँ, पर मेरे पास और हीलिंग्स नहीं थी तो मैं इसका क्रेट लूटने जाता हूँ, स्मोक कर देता हूँ एक और जाता हूँ लूटने, और फिर क्या ही स्प्रे पड़ता है मेरे को देखना। इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया यार बंदे ने मेरी वेस्ट, देखो भाई क्या ही बताऊँ। और मेरे पास बैंडेड थे सिर्फ हीलिंग्स के लिए, तो हील करके मैं लेफ्ट में भी एक स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी इस येलो घर के पास थी और इसके बीच में यार 3 या 4 मीटर का रास्ता है, तो वहाँ पे भी मैंने स्मोक कर दिया। फिर भी देखना बंदे ने मेरे कितने ही शॉट, मतलब देखना कितने बजे 2 सेकंड में कितनी हेल्थ कर दी, मतलब पबजी वाले लाइट में कैसे हो सकता है ऐसा। और अब मेरे को इस बंदे पे शौक होने लग रहा था, क्योंकि PUBG वाले लाइट में इतनी जल्दी कैसे भाई कैसे। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरा हेलमेट फोड़ दिया बंदे ने, हेडशॉट ही हेडशॉट मारे जा रहा है। और अब मेरे को सेंट्रल रोड के पास आ जाता हूँ मैं सेफ, मेरे पास ना ही हीलिंग्स थी ना ही हेलमेट था, और ऊपर 2 बंदे की फाइट हो रही थी, तो मैंने सोचा थर्ड पार्टी करके मैं कुछ कर दूंगा, पर थर्ड पार्टी भी नहीं कर पाया मैं, और अब देखना कैसे सर्वाइव करूंगा। अब देखो ये बंदा मेरे को दिख चुका था और यहाँ मैं चुका, और अब मैं बिल्कुल उम्मीद खो चुका था कि हाँ भाई मैच खत्म होने वाला है, ये बंदा मेरे पास आ गया तो मैं पक्का ही खत्म हूँ। पर ये बंदा आता नहीं, ऊपर चला जाता है, इसको पता नहीं चल रहा शायद मैं कहाँ हूँ, और मैं चाहता तो इस पर रश कर सकता था, लेकिन मेरी हेल्थ देखो भाई, अगर मेरे पास हेल्थ होती तो मैं रश कर भी देता, हेलमेट की देखी जाएगी। और मैं सोचा भाई गेम मेरे को बनाना, मैं नहीं करूँगा कुछ भी, तो मैं नीचे छुप जाता हूँ। और मैंने सोचा क्या पता वेट कर रहे थोड़ी देर थर्ड पार्टी वगैरह होगी, और ऐसे होते भाई एक बंदा एक फरिश्ता आता है मेरे लिए और मैं छुप जाता हूँ बिल्कुल। और क्या ही उल्लू बनाया भाई इस बंदे को, और अब ओपन की थर्ड पार्टी होती है ऊपर, और फिर मैं ठग लाइफ कर देता हूँ। और अब कुछ देर बाद मेरे साथ भी थर्ड पार्टी हो जाती है, क्योंकि मेरे को हीलिंग चाहिए थी, मैं यहाँ से M4 उठा रहा था, M4 की जगह एक उठ गई गिर गई उठ गई गिर गई, ऐसा हुआ मेरे साथ देखना, M4 उठाई फिर मुझसे गलती शायद गिर जाती है, एक उठ जाती है, और फिर वापस M4 उठाता हूँ, इतने से पीछे से बंदा मार जाता है। और क्या ही बताऊँ, आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आएगी, आप लाइक जरूर कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।